Good morning children, today we will learn about the removal of soluble impurities from water. हम लोग पढ़ रहे थे कि water से आप soluble impurities को कैसे हटाओगे. okay, there are two process. first is evaporation. okay, and second is the distillation. first is the evaporation and condensation, and second is the distillation. first number is, there are two steps in the process of distillation. हम लोग distillation के दो steps यहाँ पर आपको दो step दिखाए हुए हैं. first number is, the impure water is taken in a distillation flask and is heated. जो impure water होता है वो हम distillation flask में लेते हैं और उसको heat करते हैं. okay, the water evaporates into water vapor due to the heat and moves towards the condenser. जो water होता है वो evaporate होके मतलब गर्म होके water vapor में change होता है और वो condenser में move हो जाता है. ठीक है, condenser की तरफ चला जाता है वो. this conversion of water into water vapor on heating is called evaporation. means ये जो वाटर का कन्वर्जन होता है कि वाटर हीट होकर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है बाय हीटिंग, हीटिंग के द्वारा दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपरेशन. इस प्रोसेस को हम लोग इवोपरेशन कहते हैं. ओके, नाउ स्टेप टू, द फर्स्ट फ्लास्क इज कनेक्टेड टू द सेकेंड फ्लास्क बाय अ ट्यूब कॉल्ड कंडेंसर. जो हमारा फर्स्ट फ्लास्क होता है वो दूसरे सेकेंड फ्लास्क से कनेक्टेड होता है जो कि ट्यूब लाइक होता है, दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसर. उन्हें हम लोग कंडेंसर बोलते हैं. उसे क्या बोलेंगे? कंडेंसर. ओके, द वाटर वेपर गिवन आउट ड्यू टू द इवोपरेशन ऑफ वाटर इज पास्ड थ्रू द कंडेंसर. जो वाटर वेपर होता है वो इवोपरेशन के द्वारा क्या होता है, कंडेंसर में चला जाता है. द वाटर वेपर इज कंडेंस इन टू वाटर इन द कंडेंसर. मीन्स जो हमारी वाटर वेपर होती है वो कंडेंस हो जाती है हमारा कंडेंसर में, मीन्स ठंडी हो जाती है और वाटर में चेंज हो जाती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ठीक है, इवोपरेशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस, मीन्स वाटर को हम हीट करके वाटर वेपर में चेंज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इवोपरेशन. और वाटर वेपर को हम ठंडा करके वाटर में चेंज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन. ओके, उसे हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं. द प्योर वाटर इज देन कलेक्टेड इन द सेकेंड फ्लास्क. ओके, द कंडेंसर इज कैप्ट कूल बाय सर्कुलेटिंग कूल वाटर अराउंड इट. द प्योर वाटर इज देन कलेक्टेड इन द सेकेंड फ्लास्क. जो प्योर वाटर होता है वो हमारा सेकेंड फ्लास्क में कलेक्टेड होता है. दिस प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय बॉइलिंग इट एंड कंडेंसिंग इट्स वेपर इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. प्यूरीफाई वाटर को प्यूरीफाई करने का जो प्रोसेस होता है बॉइलिंग के द्वारा और कंडेंसिंग के द्वारा, इसे हम डिस्टिलेशन बोलते हैं. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन. यूजिंग डिस्टिलेशन बोथ द डिजॉल्व सॉल्ट एंड प्योर वाटर कैन बी सेपरेटेड एंड रिकवर्ड. डिस्टिलेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरह से सॉल्ट और जो पानी में घुले हुआ सॉल्ट होता है और उसको हम प्योर करके सेपरेट कर लेते हैं. ओके, द प्योर वाटर ऑब्टेंड बाई दिस मैटर इज कॉल्ड डिस्टिल वाटर. और इस प्रोसेस से जो हमें वाटर मिलता है उसे हम डिस्टिल वाटर बोलते हैं. ओके, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बाई ड्रिंकिंग. द सिंपलेस्ट मैथड टू प्यूरीफाई वाटर इज बॉयलिंग. सबसे सिंपल मैथड होता है पानी को प्यूरीफाई करने का बॉयलिंग, कि आप बॉयल करके आप पानी को पी सकते हो, दैट इज़ प्यूरीफाई वाटर. वाटर मस्ट बी बॉयल्ड फॉर at least 15 to 20 minutes to kill the disease causing microbes. 15 से 20 मिनट तक अगर आप किसी पानी को बॉयल करते हो तो उसमें जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. ओके, बिफोर बॉयलिंग वाटर मस्ट बी फिल्टर टू रिमूव एनी इनसोल्यूबल पार्टिकल्स. और बॉयलिंग करने के बाद आप उसको फिल्टर कर सकते हो जिससे कि आपको जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे. अल्ट्रावायलेट फिल्टर्स यूज अल्ट्रावायलेट लाइट टू किल जर्म्स. अल्ट्रावायलेट फिल्टर्स जो होते हैं वो अल्ट्रावायलेट लाइट के ज़रिए जर्म्स को
किल कर देते हैं, मीन्स मार देते हैं. वाटर इज़ जनरली सेडिमेंटेड फिल्टर्ड एंड क्लोरिनेटेड बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़. वाटर को अधिकतर जनरली क्या किया जाता है, सेडिमेंट किया जाता है, फिल्टर्ड किया जाता है और क्लोरिनेटेड किया जाता है. किसके द्वारा? हमारे म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के द्वारा. ओके, बिफोर इट इज़ सप्लाई टू आवर होम्स, जो हमारे घर में पानी आता है सप्लाई का, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन रिमूव द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर एंड क्लोरीन किल्स सम डिसीज कॉजिंग जर्म्स. सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन जो होता है वो रिमूव करता है किसको, हमारी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को जो वाटर में प्रेजेंट होती हैं उनको रिमूव करता है. और क्लोरीन क्या करता है, जो हमारे जर्म्स होते हैं उनको ख़त्म करता है. योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर वर्क इज़ रीड द चैप्टर एंड सेंड टू मी योर ऑडियो इन द ग्रुप.